आज मैं जितनी बातें करूंगा खोल के करूंगा आप लोगों से कि मेहनत तो यार एक रिक्शे वाला भी कर रहा है राइट, अपना घर चलाने के लिए। मेरे साथ क्या था कि मेरे मार्क्स नहीं आते थे। आज मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा जो मैं अपनी डेली लाइफ में अमल करने की कोशिश करता हूँ, और जिस हिसाब से मैं पढ़ता था तो उस हिसाब से मार्क्स तो ज़्यादा आने चाहिए थे। मैंने आपको सडनली ऑफर सामने से कर दिया 10 लाख रुपए का पैकेज। भैया मैं आपके कॉलेज से ही हूँ, NIC से, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, और भैया हमारे कॉलेज में इस बार कंपनीज़ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैंने 260 क्वेश्चन DSA कर लिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो, अक्सर क्या होता है लाइफ में कि हम बहुत मेहनत करते हैं और जो हम चाहते हैं हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, और फिर हम हिम्मत हार जाते हैं और फिर दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि यार चलो छोड़ो अब कुछ और करते हैं या फिर ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, और जब भी आपको ऐसा फील हो कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले। आपको पता है जब मैं 10th में था, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो मेरे दोस्त यार हैं जो मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, मैं इतना पढ़ता था, मैं ऐसा स्टूडेंट था रातों रात पढ़ने वाला, किताब के साथ लगे रहना। मेरे साथ क्या था कि मेरे मार्क्स नहीं आते थे। शायद कमी होगी मेरे लिखने के तरीके में, कमी होगी मेरी हैंड राइटिंग में, क्या पता टीचर को समझ ही ना आता हो जो मैं लिख रहा हूँ, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हो। तो 10th में मेरी परसेंटेज आई 64.8, और जिस हिसाब से मैं पढ़ता था तो उस हिसाब से मार्क्स तो ज़्यादा आने चाहिए थे। एट द सेम टाइम मेरे जो यार दोस्त थे उनके जो मार्क्स थे वो 75% 85% उनके इतने ज़्यादा आते थे, और वो इतना पढ़ते भी नहीं थे। पढ़ते होंगे बट जितना मैं किताबी कीड़ा था उतने नहीं थे। जैसे बोला जाता है कि भाई मेहनत करो, बहुत हार्डवर्किंग अगर तुम होगे तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी, तुम ज़्यादा बेटर होगे। फिर 12th में और मेहनत करी और ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े, और ज़्यादा किताबी कीड़ा तो था ही, और अच्छे से पढ़ना है, रटते रहना है ना। परसेंटेज आई 59.8, वहाँ भी चीज़ें बेटर नहीं हुई। नहीं, ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में आप बढ़ते हो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज मैं जितनी बातें करूँगा खुल के करूँगा आप लोगों से, बाकी कमेंट सेक्शन में आपको जो आपके दिमाग में आता है आप लिखिएगा, मैं ज़रूर इसका एक सेकेंड पार्ट बनाऊँगा उन कॉमेंट्स को पढ़ने के बाद। जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ते हैं राइट, फेलियर्स आएंगे, नो डाउट। अगर आपको कभी भी कोई फेलियर आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, बट आज एक चीज़ और समझेंगे कि मेहनत तो यार एक रिक्शे वाला भी कर रहा है राइट, अपना घर चलाने के लिए। सो यू हैव टू बी स्मार्ट जब भी आप किसी चीज़ में अपना एफर्ट दे रहे हैं। आप स्मार्ट कैसे आप बन सकते हैं, आप किसी टेक्नोलॉजी का सहारा ले लें, या कैसे अपने काम को, अपनी लर्निंग को आसान कर सकते हैं राइट, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ेगी और वहाँ आपको ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे। ये मैं सब आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको वो सब बातें बताऊँगा जो मैं अपनी डेली लाइफ में अमल करने की कोशिश करता हूँ राइट। तो हार्डवर्किंग अगर आप हैं, मेहनती हैं, हर कोई इंसान देखो अपने अपने लेवल पर मेहनत करता है, हर किसी का पोटेंशियल कैलिबर अलग अलग है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट माइंड लेवल। अगर आपने एक जगह बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा, और अगर आपको वहाँ से सक्सेस नहीं मिली, या दो रीज़न है उसके, या तो आप वहाँ के लिए है ही नहीं। देखिए कुछ चीज़ें, मैं ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, कुछ चीज़ें लिखी लिखाई हैं आपके लिए, अगर वो रिटर्न है डेस्टिनी राइट, जिसे आप डेस्टिनी बोल लो या भाग्य बोल लो या भगवान बोल लो, व्हाटएवर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कुछ हो आपके साथ, जब ऐसी सिचुएशन हो, तो अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि आप पहले देखिए, हर किसी, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमारे हर किसी की घर का जो है, जो हम जिनके साथ रहते हैं, हर किसी का रहने का तरीका और सिचुएशन अलग अलग होती है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मैं अभी 2 साल मान लीजिए UPSC में दे रहा हूँ या गवर्नमेंट एग्जाम में दे रहा हूँ, क्या मुझे और देना चाहिए। इतनी समझ हर इंसान में होती है। अगर आपको लगता है वो सिचुएशन नहीं है तो आपको फिर काम तो करना पड़ेगा, चाहे मन हो ना हो, शो मस्ट गो ऑन राइट, काम, वर्क मस्ट गो ऑन, काम चलता ही रहना चाहिए, है ना, जरूरी है। कभी मन हो ना हो हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो इस लाइक जो मेरी जर्नी रही है, मैं जो चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ, एक चीज़ हमें, एक और मुझे समझ आती है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आप जो हैं आप खुद हैं, किसी से आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस भी आएगा। अब स्ट्रेस की जब बात करते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, पहली जो आपके कंट्रोल में है, आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, जो एक कंपनी एक क्वेश्चंस पूछती है आप वैसी तैयारी कर सकते हैं, और बट वहाँ पे कुछ और आ गया, वैसा नहीं आया जो आप पढ़ के गए थे, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। जो तनाव की हम बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, वो आता है उन चीज़ों से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो हम लेते हैं, क्योंकि हमें डर तो वहीं से रहेगा ना, यार क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से अब क्या होगा, जो आपने करना था वहाँ तो स्ट्रेस है ही नहीं। तो जितना हो सके अपनी जर्नी में, देखिए जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आगे ही बोलता रहूँगा, एंड दिस इज़ ट्रू,
जो जॉब है ना, हमारी लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मनी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। 20,000 रुपये से भी खुश है कोई, 1,00,000 रुपये से भी खुश नहीं है। अगर आप फिट हैं और अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप अच्छे नहीं हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह कॉन्स्टेंट है, पड़ी रहेंगी, जंग लग जाएगा इनके ऊपर। सो तनाव लेना समटाइम इज़ गुड, तभी आप और मेहनत करेंगे, बट इतना तनाव ना लीजिए, इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए, इतना डिस्ट्रैक्ट मत होइए चीज़ें से कि आप खुद ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है। टॉपमेट पे मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको अपना माइंडसेट इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आप प्रैक्टिस में लेके आएँ। ये जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या मैं इन चीज़ों में बहुत परफेक्ट हूँ, बट मैं इन पर काम करता रहता हूँ धीरे धीरे। काइंड ऑफ प्रैक्टिस तो है, जैसे मैं अपने माइंड को समझाऊंगा चीज़ें वैसे ही होंगी, जैसा आप देखेंगे वैसा आपको दिखेगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ें इर्द गिर्द दिखेंगी, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें इर्द गिर्द दिखेंगी, राइट। एंड आप हमेशा एक बात मान लीजिए, आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते, आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। अगर आप हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कैसी बात कर रहे हो भाई, बट दिस इज ट्रू। डीमोटिवेशन कभी कभार आ रही है, नेगेटिविटी कभी कभार आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है आगे की ग्रोथ के लिए। आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, आप देखिए क्या उसके शॉर्टकट्स हैं। सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी का अलग 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 है। किसी इंसान के लिए सक्सेस ये भी है कि वो सुबह 6 बजे उठ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सक्सेस है, राइट। किसी इंसान के लिए ये कि जब मैं 1,00,000 रुपये महीना कमाऊंगा तो वो सक्सेस है। सो सक्सेस डेफिनेशन, सक्सेस को हम नंबरों से ड्राइव नहीं कर सकते कि अजय के आज 4,00,000 यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो गए तो ही सक्सेसफुल। दिस मे बी मेरे लिए वो सक्सेस हो, किसी के लिए ना हो, कोई 1 मिलियन वाला बंदा उसके लिए ना हो। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना है नंबर्स के बेस पे, ये चीज़ समझनी है। अपने लेवल पे हार्डवर्क करना है। कोई अगर आपसे बहुत बेहतर है आपकी कम्युनिटी में, आपके अराउंड, उससे 3-4 बातें सीख के अगर आप अपनी लाइफ में कर सकते हो बेटर करने की कोशिश तो कीजिए, वरना इग्नोर कीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया इग्नोर कीजिए। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, राइट। तो अपनी मेहनत करते रहिए। अगर आज आपके पास नहीं है, ये मैंने प्रूफ किया है लाइफ में अपने 6-7 साल में, अगर स्टार्टिंग में कम आपको पैसे मिलते हैं, सैलरी कम होती है, ये नंबर्स आने वाले 4-5 साल में बिल्कुल बदल जाएंगे अगर आप सच में पैशनेट हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना आपको पसंद है। देखिए सबके रास्ते, जर्नी, क्लास में 40 बच्चा होता है, राइट। क्या 40 एक जैसे होंगे? क्या 40 सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है। कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ फ्रंट में बैठते हैं, कुछ मिड में बैठते हैं। सबका माइंड अलग अलग चलता है, सबके थॉट्स अलग अलग हैं, सबकी फैमिली कंडीशनिंग अलग अलग है, आपकी कंडीशनिंग अलग तरीके से हुई है ना। तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। और वहाँ पे जब अगर हम एक ग्रोथ माइंडसेट देखते हैं अपने आप को आगे, हमें हर कोई चाहता है मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, अच्छा मेरे को पैसा मिले, हर चीज़ बेटर रहे। इस पूरी जर्नी के अंदर ना, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है ना, अगर आपने माइंड को समझा लिया, अगर आप खुद से बात करना पसंद करते हैं, अपने सेल्फ जोन में आप रह सकते हैं, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, गाइस, आप उस केस में आप फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको इतना स्ट्रांग बनाना है कि आज अगर मार्केट की सिचुएशन किसी वजह से ख़राब है, या मैंने भैया 20-30 हज़ार जगह अप्लाई कर दिया पर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, इट मीन्स समथिंग इज़ नॉट करेक्ट इन योर प्रोसेस। आइदर वो लिंक्डइन में कुछ आपकी गड़बड़ है, या फिर आपका पिच करने का तरीका ख़राब है, या आपका रिज्यूमे ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो भाई गैप है, ऐसा नहीं है, है ना। तो आपको उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो किसी से पकड़वाइए, जो एक्सपीरियंस बंदा है उनसे आप कनेक्ट कीजिए, वहाँ से डायरेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। मेंटोरशिप बहुत अच्छी है अगर कोई किसी अच्छे बंदे से मिल रही हो। ज्ञान उसी से लीजिए जहाँ से उस बंदे को तजुर्बा हो, उसी बंदे से ज्ञान लीजिए जो उस फील्ड में काम कर रहा हो। आप उस इंसान से ज्ञान लेंगे जो जिसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो खाली फिर फालतू की बातें हैं, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि आपको पता है एक डायरेक्शन सब कुछ चेंज कर सकती है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे आसपास आपके सराउंडिंग में लोग रहेंगे आप वैसे ही ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। अब एक पेड़ है, उसमें एक ख़राब फल है तो सबको ख़राब कर देगा, वो फल सारे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ चीज़ें ऐसे, यहाँ भी ऐसी वर्क करती हैं। तो हार्डवर्क की जब बात करते हैं, मेहनत की हम बात करते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आज कम है तो कल को ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने लाइफ में फील किया है, अचीव भी किया है। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ और लोगों से मिलूँगा, बी ग्राउंडेड, बी काम, राइट। और एग्रेशन ठीक है 20s में रहता है, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके दोस्त कम हो जाएंगे,
दोस्त आज आपके अगर 22 साल के हैं, 8 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, एक टाइम के आने के बाद सबको अपना सेटल होना होता है, सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, कभी कभार का मिलना ही होता है। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, अकेला हूँ इस दुनिया में, अकेला आया था, अकेला जाऊँगा। बट वो जो दोस्ती वाला पीरियड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी आप कॉलेज में हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो बच्चे, वो जो दोस्त आपके साथ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। एंड मिलेंगे कभी कभार, बट यस, हर कोई अपनी जगह पे, कोई बैंगलोर बैठा होगा, कोई अमेरिका बैठा होगा, कोई यूके बैठा होगा, कोई इंडिया बैठा होगा, है ना। सो इट्स ऑल डिपेंड, राइट। तो अभी ये सब चीज़ें दिमाग में आती नहीं है जब हम कॉलेज वगैरह में होते हैं, और हमें बस एक चीज़ होता है प्लेसमेंट, जॉब लग जाए। और मैंने कहा कि जॉब एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। अगर आज मुझे कभी एक टॉपमेट पे किसी का कॉल आया था, उन्होंने कहा, वो कश्मीर से थे, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो, उन्होंने कहा, भैया मैं आपके कॉलेज से ही हूँ, NIC से, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, और भैया हमारे कॉलेज में इस बार कंपनीज़ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैंने 260 क्वेश्चन DSA कर लिए, तो बताओ भैया मैं इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है। जो आ रही है कंपनी वो 3 लाख का, 2.5 का ऑफ़र दे रही है। पता है मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा आप एक बात बताओ, चलो एक साल और अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप बैठे रहोगे एक साल? मैंने कहा जो 3.5 दे रही है उसमें जाओ, तुम्हारा जो 260 क्वेश्चन की जो मेहनत तुमने DSA की है ना, ये वेस्ट नहीं जाएगी, समझ रहे हो? तो ये आगे तुम्हें काम आएगी, तुम आगे जब इंटरव्यूज़ दोगे तो वहाँ ये काम आ जाएगा, तुम एक साल 8-9 महीने काम कर लो, क्या दिक्कत है। मैंने भी 3.2 से स्टार्ट किया था यार, हर कोई 30-25 लाख के पैकेज से स्टार्ट नहीं करता है, सबका कॉलेज, सबका बैकग्राउंड, सबका हिसाब किताब अलग अलग होता है। तो मैंने उस तरीके से बच्चे को गाइड किया और वो समझा उस चीज़ को कि यार ऐसे तो मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, मैं कैसे अपने जो गैप बनेगा एक साल और कैसे उसको मैं जस्टिफाई करूँगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मैं आपको इसका एक बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ, आप पहले बैठ जाइए, आप आराम से, तसल्ली से, और किसी को आसपास मत बिठाइए, क्योंकि आप अगर 5-6 लोगों से बात करेंगे तो 5-6 लोगों के अलग अलग बातें आएंगी, उससे आप शायद और डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप उससे ज़रूर एडवाइस लीजिए जो उसी फील्ड का बंदा है, और आपको जिस जगह जाना है वो उस फील्ड से ही बिलोंग करता है, तो आपको राइट एडवाइस मिल जाएगी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट उसका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनना है आपने। अब जैसे आप मेरे से इतनी सारी बातें भी सुन रहे हो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, यू आर लर्निंग, राइट। बट अब कौन सी बातें आपकी लाइफ में फिट बैठती हैं, आपको वो फिट करनी है, सारी फिट नहीं कर सकते आप, राइट। जो आप हैं वो आप ही रहेंगे, और जो मैं हूँ मैं वही रहूँगा, ना आप मुझे कॉपी कर सकते हो ना मैं आपको कॉपी कर सकता हूँ, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैठिए शांति से, और जो भी आपका प्लान है एंड अभी आपको जो अचीव करना है, नोट डाउन समवेयर। ये लिखने वाली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी, मैंने ये डेवलप करी है, बोर्ड पे लिख लिया, नोट्स बना लिए, है ना, मोबाइल में नोट्स बना लिए, ताकि मुझे बार बार रिमाइंड करते रहें जो मेरा रास्ता है, है ना, कि मुझे लिंक्डइन पे इस तरीके से अब आने वाले टाइम में ये नंबर्स अचीव करने हैं, मुझे अब कॉन्टेंट डालना है वहाँ पे, राइट। और साथ साथ मुझे साइड हसल भी करनी है, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, और मेरी ये प्रैक्टिस रहेगी, ये मेरे मेन स्किल्स हैं, ये मेरे कोर स्किल्स हैं, ये मेरी वीकनेस है, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, राइट। कि अगर मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊँ तो मैं सही से बात कर पाऊँ, राइट, ग्राउंडेड रहना है। तो जब आप ऐसी बातें अपने आप से करेंगे, और जब आप ऐसी प्रैक्टिस आप डेली में लाइफ में लेके आएंगे, बिलीव मी गाइस, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मे बी किसी, अभी आप बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है वीडियो को देखने का, कईयों के लिए फालतू का ज्ञान हो, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने ने डेवलप करी हैं और जो मैं सीख रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड बी लाइक, आप बेस्ट हैं यार, आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, कोई कर रहा है बेटर, बहुत अच्छी बात है यार, क्लैप कीजिए उसके लिए, बट अपने आप में क्या बेटर कर सकते हैं, या वो जो कर रहा है, जो आप नहीं कर रहे हो उसको आप और बेटर कर सकते हैं सीख के अपने स्किल से, राइट। तो हार्डवर्किंग अगर आप हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। वो लिंक्डइन पे स्मार्ट रहना है, कैसे मैं, मुझे पिच करना है कैसे, वो पैनापन बहुत ज़रूरी है, राइट। एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है कि मुझे कहाँ किस बंदे के पास जाना है, किससे मुझे बात करनी है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एंड जब आप ऐसा माइंडसेट बनाएंगे, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके पास एक राइट जॉब होगी, और आप फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सो मच भैया फॉर गिविंग मी दिस डायरेक्शन, एंड बिलीव मी अब बहुत अच्छा है, बेटर है। बिकॉज मैंने कहा ना, अगर आप मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है आज, मान लेते हैं मैंने आपको सडनली ऑफर सामने से कर दिया 10 लाख रुपये का पैकेज, सब सॉर्ट हो गया, लाइफ सॉर्ट हो गई, उस पैकेज को लेने के बाद फिर 2 प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएंगी, राइट। सो इट्स लाइक How you are dealing with all that problems which you are having, जो भी आपको आ रही हैं, कैसे आप डील कर रहे हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, जो ये करना सीख गया ना, वो सब कुछ सीख जाता है। गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ यार, बट
उस गुस्से से अग्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर ये समझा लेता हूँ तो अगले 2 मिनट के अंदर कि भाई अजय, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आराम से बैठ, क्या सोल्यूशन है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका वर्क अराउंड है, कैसे इसे क्विक सॉल्व कर सकते हैं। और जब क्विक की बात आती है तो वो जो स्मार्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट, ऐसे आपको हार्डवर्किंग रहना है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। बट कैसे क्विक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं जो एक्स्ट्रा मेरे पास चीज़ें हैं उनको यूज़ करके मैं अपने हार्डवर्क को और आसान कर सकता हूँ, दैट इज़ अ राइट वे फॉर सक्सेस, राइट। एंड बस यही है गाइस, ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं एंड आई होप इस क्रिटिकल टाइम में आपको ये जितनी मैंने बातें करी आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको एक डायरेक्शन देंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर जरूर करना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में शेयर करना एंड कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना। मैं एक काइंड ऑफ नई सीरीज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं हमेशा आपसे आके मैं थोड़ी बहुत बात करूँगा इस तरीके से। कॉमेंट में बताना आप नेक्स्ट किस टॉपिक में मेरे से वीडियो चाहते हो, आई डेफिनेटली कवर इन डिटेल जैसे मैंने ये बात करी है। एंड इसमें कोई सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे एंड ये जितनी वीडियोज़ होंगी सारी ये बिना स्पॉन्सर की होंगी, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लूँगा इन वीडियोज़ में, हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर इतनी देर मेरे को सुनने के लिए। एंड अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी मोटिवेशन मिली हो और इसे आप ज़रूर अपनी लाइफ में अगर ट्राई करोगे तो आप सच में आप बार बार ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखोगे, ठीक है। इसे लाइक ज़रूर करना, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।